अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ फलकनाज फ्रॉम कर्नाटका से। आप सबका फलकनाज किचन में स्वागत करती हूँ मैं। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत अच्छी सी, बहुत टेस्टी, यम्मी रेसिपी लेकर आई हूँ। सूजी अम्बोली इसको कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये सूजी अम्बोली एक ऐसी रेसिपी है जो बहुत ही टेस्टी और यम्मी होती है। स्पेशली इसे ब्रेकफास्ट या स्नैक के तौर पर बनाया जाता है। इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम लगते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र की रेसिपी है जो स्पेशली ब्रेकफास्ट और स्नैक के तौर पर यूज़ किया जाता है, बनाया जाता है। मैं भी इसे बहुत बार बना चुकी हूँ, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी बनाएं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही मैं ये चैनल चला पाऊँगी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि हमें सूजी अम्बोली बनाने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ठीक है ये फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नमक लिया हुआ है 1 स्पून। आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकती हो जितना आपको चाहिए, एज ए टेस्ट टेस्ट अकॉर्डिंग। ये है माश की दाल, उड़द की दाल, जो भी आप बोलते हैं इसे। इसका मैंने दो दो घंटे पहले भिगो कर इसका पेस्ट बना लिया है। आप देख सकते हो फाइन पेस्ट किया है मैंने। डियर फ्रेंड्स, मैं ये फ्रिज में हमेशा स्टोर करके रखती हूँ। आप भी कभी भी कुछ भी बनाना हो तो प्लीज़ स्टोर करके रखिए ताकि आपको जल्दी से अर्जेंटली कुछ भी बनाने के लिए आसानी हो। ये 1 महीने तक हम फ्रिज में रख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये है सेमोलिना, सूजी, रवा, आप जिस नाम से भी इसे जानते हैं। मैंने यहाँ पर इसको 1 कप लिया हुआ है, करीब 60 ग्राम। और ये मैंने हाफ कप लिया है और ये 1 स्पून मैंने नमक लिया है। बस इन तीन चीज़ों की है हमें ज़रूरत पड़ती है। और वाटर, पानी यानी जितनी रिक्वायर्ड होगी, जितना इस्तेमाल होगा मैं इतना इस्तेमाल करूँगी बैटर बनाने के लिए। चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि हम इसे कैसे बनाते हैं। डियर फ्रेंड्स, यानी मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा बॉयल लिया है और इसमें मैं ये माश की दाल ऐड कर लूँगी। और ये सूजी ऐड करूँगी, सेमोलिना ऐड कर कर इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। इसे अच्छे से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करेंगे। अब ये नमक डालेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैंने यहाँ पे जितना मुझे चाहिए उतना लिया है, 1 स्पून। इसे अच्छा मिक्स करेंगे। ये फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे एक प्लेट लेकर ढककर रख दूँगी 2 घंटों के लिए। आप ये 2 घंटों के लिए रख दीजिए। ऐसा रखने से इस पर अच्छे से खमीर आएगा और ये राइस होगा और खमीर अच्छे से आएगा और इसकी जो क्वांटिटी है वो दुगनी हो जाएगी। ठीक है, हम इसे 2 घंटे के लिए रख लेते हैं। डियर फ्रेंड, 2 घंटे हो गए हैं, हम इसे देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना खमीर आया है इसमें। एक्चुअली समर सीजन में खमीर जल्दी आ जाता है, तो इसकी क्वांटिटी दुगनी हो गई है, आप देख सकते हो। अब ये बिल्कुल रेडी है। इसे बना लेते हैं सूजी अम्बोली। चलिए चलते हैं सूजी अम्बोली बनाने के लिए। जी फ्रेंड्स, हम इस तरह से एक बड़ा सा स्पून लेंगे ताकि हम ये जो सूजी अम्बोली का बैटर हमें रेडी किया हुआ है वो हम अपनी पैन में डाल सकें। ठीक है, हम एक चूल्हे पर एक पैन रख लेते हैं। जी फ्रेंड्स, हमने एक पैन रख लिया है और फ्लेम को कम कर लिया है। ये जैसे ही थोड़ा हीट होगा अच्छे से, हम फ्लेम कम करके बैटर जो भी हमने सूजी अम्बोली का बैटर रेडी किया है इसमें मैं डाल दूंगी। बहुत ईजी है, हमारा पैन रेडी हो गया है, गर्म हो गया है। अब मैं सूजी अम्बोली का जो बैटर है मैंने रेडी किया है वो मैं इस तरह से डाल दूंगी। आप चाहे बड़े छोटे जितने आपको चाहिए आप वैसे बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो मैंने इससे लिया और फ्लेम को कम ही रखा है, मीडियम फ्लेम पे रख लीजिए। मीडियम फ्लेम, मीडियम फ्लेम पे ही इसे बनाएं, बहुत अच्छे से बनते हैं ये। देख रहे हो कलर कैसे चेंज हो रहा है।
और इसके ऊपर थोड़ा मैं ऑयल ऐड कर लूँगी ताकि अच्छे से और अच्छे से बन सके। वहाँ भी ऐड कर लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, हमारा वन साइड अच्छे से देख लीजिए, ऊपर का हिस्सा जो कलर चेंज हुआ है पक गया है। हम इसे पलट लेते हैं इस तरह से। डियर फ्रेंड्स, देख सकते हो कितना सुनहरा सा कलर आया है इसका, कितना अच्छा टेक्सचर आया है। ये बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी होते हैं। इसे आप ग्रीन नारियल की चटनी या पीनट्स की चटनी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हो। मैंने तो इस 1 कप सेमोलिना और हाफ कप माश दाल से 8 बना लिए हैं इस तरह से। देख सकते हो कितने से अच्छे से ये बन गया है। देख सकते हो आप कितना अच्छा बना है मेरा ये संबोली, सोजी अम्बोली। अब ये महाराष्ट्रीयन डिश है, ये बहुत ही फेमस होती है डियर फ्रेंड्स। इसे आप रोज़ ब्रेकफास्ट या स्नैक में बना सकते हो। चले चलते हैं सर्व करके, मैं बता देती हूँ। डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सर्व कर लिया है 1/2 कप माश दाल और 1 कप फाइन सेमोलिना से मैंने सोजी अम्बोली 8 पीसेस बनाए हैं। देख सकते हो कितने सॉफ्ट हैं और ये अच्छी तरह से रोल भी होते हैं। आप देख सकते हो डियर फ्रेंड्स, आप इसे ब्रेकफास्ट या स्नैक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो, मतलब सर्व कर सकते हो। डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कच्चे नारियल की ग्रीन चटनी के साथ इसे सर्व किया हुआ है। होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ट्राई कीजिए, और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही मैं चैनल चला पाऊँगी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और भी अच्छे से रेसिपीज़ लेकर आऊँगी मैं आपके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, इंजॉय।